और यूपी के कुशीनगर से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल एक गांव में नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और जिसके चलते नाले बनाने को लेकर ही दो दिन पहले दोनों पक्षों में यहां पर विवाद हुआ था और जिसके बाद एक पक्ष ने ही दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बच्ची को दूसरे पक्ष के यहां पर छह लोग जबरदस्ती उठाकर ले गए और साथ उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं थाने में यहां पर परिजनों ने ही घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस दो दिनों तक पीड़ित परिवार की कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद मामला मीडिया में आने के बाद ही पुलिस ने आनन फानन में तुरंत कार्रवाई करते हुए छह में से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे घर से उठा ले हैं सात लोग मिल के, अपने घर बोला खींच ले गई, केवाड़ी बंद कर लिए जी, सजी सब कुछ करी, कार हुआ है मुँह में सब है, सब बखोरा हुआ है, सब है नोचा चोचा है, सब गाल काटा हुआ है, छाती सीना सब है। कितने लोगों सात लोग हैं। उस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है, जबरदस्त नाइंसाफी हुई है। उस लड़की के साथ जितने भी दोषी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल मैं सुबह उस लड़की की तरफ से तहरीर दिवाया लड़की को ले जाकर के थाने पे, और यशो साहब ने कहा कि ठीक है मैं तुरंत अभी भेज रहा हूँ। तो पुलिस रात में गई है और चार मुलजिम को पकड़ करके ले करके आई है। और अब आगे देखिए विधायक जी से भी बात की है, एसपी साहब से, और उनके कथनानुसार उनके कहने पे मुकदमा लिखा गया और पुलिस कार्रवाई कर रही है।